अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू इल्म की दुनिया। आज की वीडियो में मैं आपसे बात BS सिविल इंजीनियरिंग पर करूँगी। तो जो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस फील्ड को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड हैं या वो ये फील्ड करना चाहते हैं, उनको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, या वो स्टूडेंट जो कि ये डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं थर्डली, वो जो कि कर चुके हैं, या उनको स्कोप या कैरियर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सही तरह अवेयरनेस नहीं मिल रही, तो वो लोग या वो स्टूडेंट्स की वीडियो तक लास्ट में देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट व्हाट इज़ BS सिविल इंजीनियरिंग, मोर फर्दर इसका ड्यूरेशन, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैरियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड इन द लास्ट द स्कोप। सो विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ BS सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग, तो फर्स्टली कि ये इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है, लेकिन इधर मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं कि ये इंजीनियरिंग की ओल्डेस्ट ब्रांच है, यानी कि ये पुरानी भी है और सेकंड ये कि लार्जेस्ट ब्रांच है। इट्स द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें आप कंप्लीट कंस्ट्रक्शन के हवाले से पढ़ते हैं कि उसकी मेंटेनेंस, उसके डिज़ाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस तरह की जाती है। क्योंकि एक सिविल इंजीनियरिंग वाला बंदा ही जो है वो उसको पता होता है कि रोड्स किस तरह कंस्ट्रक्ट की जाए, ब्रिजेस किस तरह कंस्ट्रक्ट किए जाए, पाइपलाइंस या मोरफर्दर आप कहें डैम्स और टनल्स वगैरह सब कुछ, इन सब की कंस्ट्रक्शन डिज़ाइनिंग, उनको किस तरह मैन्युफैक्चर किया जाए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज रखने का नाम जो है वो सिविल इंजीनियरिंग कहलाता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है। ये कंप्लीट 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम है जिसके 8 सेमेस्टर हैं और हर सेमेस्टर की ड्यूरेशन 6 मंथ है। मोर फर्दर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ मूव ऑन करें, तो अगर आपने इंटरमीडिएट FSC प्री इंजीनियरिंग यानी कि विद द बेसिक सब्जेक्ट्स ऑफ फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स अगर आपने 60% प्लस से पास आउट किया है, तो देन आप इस डिग्री प्रोग्राम के एलिजिबल होते हैं, अगर आप विच मीन्स कि नॉन मेडिकल आपने किया है। मोर फर्दर अगर आपने इसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपने डिप्लोमा किया है, ADE किया है, तो उसमें भी जो है आप इस डिग्री प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं 60% मार्क्स प्लस। इधर मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट और आपके जो हैं वो एंट्री टेस्ट के मार्क्स मिला के आपकी टोटल जो है वो क्राइटेरिया, या आप यूँ कह लें कि टोटल मेरिट जो है वो यूनिवर्सिटी वाली आपको देती है। बोर्ड सेक्टर में अगर आप पब्लिक तरफ मूवमेंट करें तो उनका मेरिट हाई होता है, जिसमें 85% प्लस पे जो है आपको सिविल इंजीनियरिंग या 95% प्लस या 90 पे जाके आपका ये बंद होता है, आपको मेरिट मिलता है। मैंने आपको इधर बताया है कि आपके इंटरमीडिएट के मैट्रिक ही और आपके एंट्री टेस्ट सबसे पहले होता है, देन आपके तीनों को एवरेज मार्क्स मिला के अगर आपके 85% या 80% बन रही हो, देन आपको पब्लिक सेक्टर में जो एडमिशन मिलता है। उसके मोर फर्दर आप पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव ऑन करें तो उसके लिए है कि आपका 60% प्लस पे जो है वो आपको एडमिशन दिया जाता है। अगर हम इधर फी स्ट्रक्चर की बात करें पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ सेक्टर में, तो ऑब्वियसली बात है कि पब्लिक सेक्टर में थोड़ा लो होता है, प्राइवेट सेक्टर में हाई होता है, मतलब डबल होता है पब्लिक सेक्टर की नस्बत। ओवरऑल बात करें तो इसी तरह आप कह लें कि 3 लाख 4 लाख से लेकर 8 लाख तक आपका जो है वो एवरेज बनता है। मोर फर्दर मैं इसमें आपको बताऊँगी कि आपको किस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें पढ़ने को मिलते हैं। BS सिविल इंजीनियरिंग में जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं उनमें आपके पास आते हैं सर्वे के सब्जेक्ट्स आते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल के सब्जेक्ट आते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के मतलब थ्योरी के सब्जेक्ट बेसिकली आते हैं, कंस्ट्रक्टिंग के हवाले सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथमेटिक्स आती है आपके पास, हाइड्रोलिक ऑफ सॉइल आता है, यानी कि वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको BS सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ने को मिलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास BS सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद कौन सी कैरियर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कौन से एम्प्लॉयमेंट एरियाज से स्पेसिफाई करती हूँ जिसमें आप BS सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आप इसमें काम कर सकते हैं। उनमें आपके पास आते हैं एयरपोर्ट्स, रेलवे, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज आती हैं, कोस्टल एंड मेरी इंडस्ट्रीज आती हैं, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर आते हैं, सिविल क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जो हैं सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसमें आपके पास रोड, हाईवे एंड ब्रिज कंस्ट्रक्टर्स आते हैं, वाटर सप्लाई सिस्टम एंड सीवेज डिस्चार्ज अथॉरिटीज़ आती हैं। लेकिन अब तो हाउसिंग स्कीम बहुत ज़्यादा बनने लग गई है, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस सबको इनकी डिफरेंट मोटरवे वगैरह आप देख लें किस तरह कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, और बाहर के ममालिक में आप देखें तो किस तरह टोटली पूरी फ्लैट जो है वो एक किधर रोड्स होती है, ब्रिजेस कितने ज़्यादा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और इसके अलावा टनल्स और सारे पाइपलाइंस वगैरह, एयरक्राफ्ट्स मैं अगर आपको कहूँ कि तो वो भी यहाँ पे एक सिविल इंजीनियर का जो बंदा है वही कंस्ट्रक्ट उसकी सारी मेंटेनेंस और उसकी डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग को देखता है। तो ये सब चीज़ों में जो है एक सिविल इंजीनियरिंग का जो बंदा है उसको
अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उधर जाके जॉब करें। अब मैं आपको बताऊँगी किस पोस्ट पर लग के जो है वो सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप लग सकते हैं। उसमें आपके पास आता है क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर लग सकते हैं, सिविल मेंटेनेंस इंजीनियर लग सकते हैं, इसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट इंजीनियर के तौर पर लग सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर लग सकते हैं, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर के तौर पर लग सकते हैं, मोर फर्दर इसमें आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के तौर पर लग सकते हैं, कोस्टल इंजीनियर के तौर पर लग सकते हैं। डिफरेंट इंजीनियर्स हैं, मतलब कि आप इसको स्पेसिफाई करें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ, इंडस्ट्री के लिहाज से जो है आप उस तरह के इंजीनियर जो हैं वो आप उस पोस्ट पर लग सकते हैं। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो कि इसमें हैं जिसमें आप अपनी जो है जॉब अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। मोर फर्दर इसमें आपको मैं बात करूँ सैलरी की, तो इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा हाई पेड होती है, स्टार्टिंग ही लैक्स से होती है। आप अगर एक्सपीरियंस आपके पास स्किल्स अच्छे हैं तो आपकी लैक्स से स्टार्टिंग होती है, मोर फर्दर आपकी और अपग्रेड होती रहती है। तो इन द लास्ट मैं आपसे स्कोप की बात करूँगी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है और इतनी ज़्यादा आपके पास सैलरी जितनी अच्छी है और आपके पास स्कोप नहीं है। स्कोप हर डिग्री का होता है, स्कोप आपने खुद बनाना होता है। मैं हर डिग्री प्रोग्राम में आपको यही कहती हूँ कि स्कोप आपने खुद बिल्डअप करना होता है, अपनी स्किल्स को दिखा के, अपनी स्किल्स इन्हेंस करके, अपने आपको एक्सपीरियंस करके। आप प्रैक्टिकली आपका काम अच्छे हैं तो आप कैसे इसका स्कोप आप नहीं बना सकते। स्कोप आपने इस फ्यूचर अपना खुद बिल्डअप करना होता है स्कोप को आगे ले जाते हुए। तो अगर आपको अच्छी कंस्ट्रक्शन के वाले से अच्छी नॉलेज है, अच्छी हाउ नाउ है, आपको अच्छी डिज़ाइनिंग के, अब उसको पता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ कैसे होता है, अच्छी रोड बिल्ड करने के, उसको अच्छे कंस्ट्रक्शन के वाले से आप ज़्यादा अच्छा माइंड रखते हैं, क्रिएटिव माइंड रखते हैं, तो आप मस्ट इस फील्ड को अवेल करें, क्योंकि इस फील्ड का पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा स्कोप है। और जितना आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस होते रहेंगे। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपके साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम शेयर करती हूँ जो कि बीएस सिविल इंजीनियर के प्रोग्राम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं, या आप यूँ कह लें कि बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के मैं आपके साथ नाम शेयर करती हूँ। उसमें आपके पास यूईटी लाहौर आती है, यूईटी पेशावर आती है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी आती है, नस्ट आती है, पीयू आती है। तो मैंने आपके साथ एक तो सबसे पहले तमाम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ शेयर की कि किधर जाके किस इंडस्ट्रीज़ में जो है एक सिविल इंजीनियर का बंदा जो है वो काम कर सकता है। मोर फर्दर मैंने आपके साथ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट शेयर की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस डिग्री प्रोग्राम को लेकर जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन है वो रिजॉल्व हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।